आजकल की भागम भाग जिंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर किसी वक्त कोई थोड़ा सा भी टाइम बचता है तो या तो वो नेटफ्लिक्स देखता है या तो घूमने जाता है और ज्यादा से ज्यादा मूवी देखता है। और हाँ, आज आप मूवी देखने जाते हो तो आपको पता लगता है कि दो मूवीज तो भाई साहब ऐसे मंडी के मुकाबले दिख ही रहे हैं और हॉल्स भी आपको खाली मिलते हैं, क्योंकि बॉलीवुड तो एक आपको पता ही है ना। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। हम भी शौक है इस सिलसिले को देख के। अरे बाबा ऐसा रोने का नहीं। हालांकि रिंग में खड़े दो ऐसे सिपाही जिनकी लड़ाई हमें लगा कि कुछ नेक्स्ट लेवल कंपटीशन होगा, लेकिन नहीं निकला। क्यों हमें भी नहीं पता, क्योंकि पब्लिक का रिस्पॉन्स ही ऐसा था। पब्लिक के रिस्पॉन्स की वजह से हम भी शौक थे, और हालांकि कुछ मेरे यूट्यूबर दोस्त भी बहुत ज्यादा शौक थे। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या शॉकिंग रिजल्ट था और क्या रिजल्ट अब तक निकला है और कितना कुछ हुआ है इस मूवी की टॉक्सिक बातों को लेकर। तो गाइस आज वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूं हमारे साथ जुड़ेगा कौन कौन, क्योंकि आज हम सिर्फ लौंडे लोग जुड़ रहे हैं। लौंडे लोग आई यानी कि वीडियो में आज नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है, क्योंकि भाई जहां हम लोग बैठ जाते हैं तो वहां पर तो महफिल जमती ही है गाइस। तो पहला तो मेरा फेवरेट भाई मलिक भाई, जिसके साथ पिछली भी वीडियो हमने बनाई थी यार, मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट यूट्यूबर। क्या हाल है आप सबका, मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से हो। सेकंड सूरज मामा चाचा नाना, हमें सूरज भैया जो कभी कभी ट्रेंड में भी आ जाते हैं, वेरी नाइस एक्टर। हेलो गाइस एंड वैसेस, मैं सूरज कुमार। थर्ड पर्सन वो जो एमरेक्स क्लाइमेक्स के हैं, जिनके पास टैलेंट। तो पहला क्वेश्चन मैं अपने सूरज भाई से पूछूंगा यार, एक्टिंग तो आपकी बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले मेरे को इस टॉपिक को लेके आपके बारे में क्या बातें चल रही है वो जाननी है। अब देखो यार, इसके बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई आज के टाइम पे जितने भी बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं ना, कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, ये पहली बात हो गई। क्योंकि देखो यार, एकदम वेव आ गया है, ये तरीका बदल गया ऑडियंस का। क्योंकि पहले ऑडियंस को ना ये स्टार्स बहुत ग्रांटेड लेते थे बहुत ज्यादा, लेकिन अब ऑडियंस इनको हल्के में लेती, बोलती कि भाई साहब तुमने हमको बहुत बेवकूफ बनाया यार। सेकंड क्वेश्चन ये मेरा न्यू मेंबर के लिए यार, कि यार कि यार ऑल दिस थिंग्स होंगे जुड़ेंगे भाई, तो फाइनली रिजल्ट बहुत किया टाइम अभी रिपोर्ट के साथ कि थिंग्स पे रिसोम भाई समझ चलो भाई, ये बहुत बड़ा होता है डेफिनेटली भाई, सोलर तरीका बॉक्स कलेक्शन। चलो ठीक है भैया, मैं आपके पास आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेय भाई आपके लिए, कि आपके हिसाब से सैटरडे बॉक्स ऑफ कलेक्शन जितना होना चाहिए था क्या उतना कवर अप हो पाया? लाल सिंह छड्डा का जो अर्ली एस्टिमेट आया था उस अकॉर्डिंग ये मूवी 8-10 crore की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली थी। अब उस हिसाब से दोस्तों आज एटलीस्ट भी इस मूवी को 15 crore तक चला जाइए था, क्योंकि यार मेरे हिसाब से जितना भी इनको कवर अप करना चाहिए था दोनों मूवीज को, वो कंपटीशन ही नहीं दिखा। सूरज भाई ये क्वेश्चन आपके लिए, कि आपके हिसाब से ऑडियंस क्यों मेंटेन नहीं हो पाई और ऑडियंस के मेंटेनेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? वो देख रहे हो आप थे आप वो KGF 2RRR, वो सारे फिल्मों ने कैसे ऑडियंस को बांध के रखा था कि ऑडियंस एंड तक टिके, एंड ये फिल्म का जॉनर ही अलग है, तो आपको लगता है ऑडियंस टिकेगी? बट फिर भी उम्मीद करते हैं आमिर खान की फिल्म में तो भाई ऑडियंस टिक जाए, वरना फिर टर्की से बुलाना पड़ेगा ऑडियंस। सबने अपना अपना रिव्यू दिया, अब मेरी बारी है यार। मूवीज बनती है हम सबके एंटरटेनमेंट के लिए, हम सबकी एंजॉयमेंट के लिए, तो हम सबको इसको रोज तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई लाखों लोगों की टीम बना के एक मूवी बनाई जाती है कि हम सबको एंटरटेन करा जाए। अक्षय कुमार ने एक ऐसी मूवी बनाई जो एक फैमिली कंटेंटेबल थी, हम अपनी फैमिली को ले जाके वो एक्चुअलिटी में मूवी दिखा सकते कि भी कुछ सीख वाली है। गाइस कंपटीशन अपनी साइड और सबने अपना अपना बेस्ट दिया है, मेरे हिसाब से दोनों ही मूवीज बेस्ट और बेस्ट पोजिशन में। और हालांकि हम उनकी मेहनत को तो डिसएग्री कर नहीं सकते ना यार, क्योंकि काफी सारे लोगों के संगठन के साथ एक मूवी को क्रिएट करा जाता है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप सब मेरे से डिस्कशन करने आए। बाय, गुड बाय टाटा, अभी तक के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।